नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज। आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर दोस्तों अपन पढ़ रहे थे सीरीज। सीरीज अपन ने कल स्टार्ट किया था। सीरीज में अपन ने कल किया था, कल इसका टाइप नंबर फर्स्ट कर लिया था। आज करेंगे दोस्तों इसका टाइप नंबर सेकेंड और इसका टाइप नंबर थर्ड। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप डीजे सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐप पर पढ़ने वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने टेस्ट वन को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐप पर पढ़ने वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं अगर उन्होंने टेस्ट वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लीज़ टेस्ट वन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी तैयारी को और बेहतरीन अच्छे से हो पाएगी आपकी। तो ये तो था कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी मैंने आपको दे दी। उसके बाद अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए दोस्तों, आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा उसके लिए। दोस्तों आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है अपना, ये रहने वाला है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल उसकी शुरुआत कर दीजिए। क्लियर? तो ये था आज का अपना मोटिवेशनल कोट, आई होप आपको समझ आया होगा। और करते हैं क्लास की शुरुआत। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल अपन ने क्या पढ़ा था। कल अपन ने पढ़ा था नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में अपन ने बेसिकली संख्या सीरीज पढ़ लिया था। आज इसका पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। टाइप नंबर सेकंड इसका शुरू करते हैं कि टाइप नंबर सेकंड के अंदर अपन पढ़ने क्या वाले हैं। टाइप नंबर सेकंड के अंदर दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं अक्षर श्रृंखला। क्या पढ़ने वाले हैं? अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला के अंदर आपने कल देखा कि अंकों के बीच में कोई सीरीज बनती है। तो आज जो क्वेश्चन करेंगे अपन, आज के क्वेश्चन में क्या रहेगा, अल्फाबेट के अंदर कोई ना कोई सीरीज बनेगी अपनी। उस सीरीज को अपनों को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका नेक्स्ट नंबर। तो आइएगा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों लीजिएगा आज का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। जैसे कि शुरुआत करता हूं मैं सिंपल से क्वेश्चन से करता हूं। क्वेश्चन है मेरा डी एफ, उसके बाद है जी जे के एम, उसके बाद है मेरा एन क्यू। आपको निकालना है नेक्स्ट क्या होगा, आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या होगा अपना। चलिएगा आइएगा, इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको मैंने जब अल्फाबेट पढ़ाया था तो आपको पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी अल्फाबेट का पर्टिकुलर नंबर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इन अल्फाबेट का आपको नंबर फाइंड आउट करना होगा। ये है चार, ये है छः, ये है अपना सेवन, ये है टेन, ये कितना ग्यारह और ये तेरह, इसके बाद ये चौदह और ये सत्रह। चलिएगा इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ से देखिए, डी से जा रहे हैं आप जी पे, तो कितने का डिफरेंस है दोस्तों, प्लस थ्री का डिफरेंस है। आप जा रहे हैं यहाँ जी से के, यहाँ कितने का डिफरेंस है दोस्तों, प्लस फोर का डिफरेंस है। फिर यहाँ कितने का डिफरेंस है, प्लस थ्री का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आने वाला डिफरेंस कितना होगा, प्लस फोर का डिफरेंस होगा। 14 में फोर ऐड कर देते हैं तो क्या आता है दोस्तों, आर आता है। उसके बाद दूसरा देखिए, सिक्स से आप टेन जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस है, प्लस फोर का। टेन से आप थर्टीन जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस है, प्लस थ्री का। उसके बाद आप एन से थर्टीन पे जा रहे हैं, प्लस फोर का, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा, प्लस थ्री का। तो 17 में 3 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 20। 20 भी क्या आता है अपना, टी। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, आर और टी। दोस्तों ये था अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन जो अपने से पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये तो था दो अल्फाबेट से, तीन अल्फाबेट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि है अपना सी एफ एल, उसके बाद है ई आई के, उसके बाद है अपना जी एल जे। तो नेक्स्ट आपको नंबर निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको नंबर कौन सा आएगा वो निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले इन पर क्या लिख दें, सबसे पहले इन पर आप लिख दें नंबर, लिख दें कि इनका बेसिकली नंबर कौन सा रहने वाला है। चलिएगा इनके नंबर लिखते हैं। ये बेसिकली कितने पे आता है, थ्री पे। ये कितने आता है, सिक्स पे। ये कितने आता है, ट्वेल्व पे। यहाँ देखिए फाइव है, नाइन है, इलेवन है,
ये कितने पर? 7 है, 12 है और 10 है। लिख लिया आपने नंबर। तो पहले अल्फाबेट का पहले अल्फाबेट के साथ डिफरेंस देखिए दोस्तों, सेकंड अल्फाबेट का सेकंड अल्फाबेट के साथ और थर्ड अल्फाबेट का थर्ड अल्फाबेट के साथ हमेशा डिफरेंस देखना है आपको। अगर आपको अल्फाबेट सीरीज सॉल्व करनी है तो इस प्रकार ही आप इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको देखना है 3 से आप जा रहे हैं 5 पे, कितने का डिफरेंस है दोस्तों? +2 का डिफरेंस है। 6 से जा रहे हैं आप 9 पे, +3 का डिफरेंस है। 12 से जा रहे हैं आप 11 पे, यानी कि -1 का डिफरेंस है। +2 +3 और कितने का डिफरेंस है? -1 का डिफरेंस है। क्या नेक्स्ट में भी ऐसे हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल। 5 से 7 +2, 9 से 12 +3, 11 से 10 -1। तो नेक्स्ट आने वाले नंबर भी क्या होगा? +2 +3 एंड -1। चलो बताइएगा, 7 में 2 ऐड करते हैं 9 मिलता है, 9 पे आ आता है। L में 3 ऐड करते हैं 15 पे क्या आता है? O आता है। उसके बाद 10 में से अगर आप I को 1 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा? I आएगा। तो अपना आंसर क्या होगा? IOI। अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? IOI अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अल्फाबेट सीरीज के अंदर बेसिकली इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। चलेगा, और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। नेक्स्ट किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि है एक सीरीज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। जैसे कि सीरीज लिख रहा हूं दोस्तों मैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने लिख दिया बी, फिर लिख दिया बी सी, फिर लिख दिया बी सी डी, फिर लिख दिया बी सी डी ई, फिर लिख दिया मैंने बी सी डी ई एफ, फिर लिख दिया मैंने बी सी डी एफ जी। तो आपसे पूछा जाएगा सीरीज का नेक्स्ट अंक कौन सा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि सीरीज का नेक्स्ट अंक कौन सा होगा, श्रृंखला का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, श्रृंखला का अगला अंक कौन सा होगा दोस्तों, संख्या का अगला अंक कौन सा होगा। तो देखिएगा, संख्या का अगला अंक अगर आपको निकालना है तो यहां से देखिए बी है, बी के बाद बी सी है, बी सी डी है, बी सी डी ई है, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ जी। तो आप खुद बताइए कि श्रृंखला का अगला अंक कौन सा होगा। श्रृंखला का अगला अंक होगा एच। एच क्या होगा? अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, और क्वेश्चन करते हैं इसमें कि किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एफ एल पी, अगला है आई एन एस और एल पी वी। आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है। आपको क्या करना है? नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो वही करना है आपको, इनका इनका क्या करना है आपको? सबसे पहले अल्फाबेट का नंबर आपको नोट कर देना है कि इनका नंबर है कितना। चलेगा, यहां देखिए इसका नंबर कितना है, इसका है 6, इसका है 12, इसका है 16, इसका कितना है 9, इसका है 14 और इसका है 19, इसका कितना है 12, 16 और इसका कितना है 22। इन सब के नंबर आपने लिख दिए। चलिएगा यहाँ से आइएगा, 6 से आप गए 9 पे, +3 जा रहे हैं, 12 से आप जाएंगे 14 पे, +2 जा रहे हैं, 16 से 19 पे फिर +3 जा रहे हैं, यानी कि +3 +2 +3। यहाँ देखे 9 से 12 +3, 14 से 16 +2, 19 से 22 +3। तो नेक्स्ट भी आप क्या करेंगे? +2 +3 एंड +2, ऐसे ही करेंगे +3 पहले क्या करेंगे? +3 करेंगे, फिर क्या करेंगे? +2 करेंगे, फिर क्या करेंगे? +3 करेंगे। तो L में, L यानी कि 12 में 3 ऐड करेंगे 15 मिलेगा, 15 पे क्या आता है दोस्तों? O आता है। उसके बाद P का नंबर कितना है? 16, 16 में आप 2 ऐड करेंगे 18, 18 पे क्या आता है? R। उसके बाद है V 22 में 3 ऐड करेंगे 25 पे EJT से मैंने आपको बताया था Y पे क्या, 25 पे क्या आता है Y। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? O R
वाई अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े, फिर इसके बाद जो इसका टाइप नंबर थर्ड है दोस्तों वो करेंगे अपन, जिसको बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड सीरीज बोलते हैं। उसके अंदर जो सीरीज होती है वो भी दो टाइप की होती है दोस्तों, एक तो होती है होमोजीनियस, एक होती है हेटरोजीनियस। आपने नाम नहीं सुना होगा होमोजीनियस क्या होता है और हेटरोजीनियस क्या होता है, उनको भी अपन कवर करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर ली जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन है अपना डब्ल्यू वाई वी, आपको निकालना है ये वाला, और है आगे आई के एच, और नेक्स्ट है अपना बी डी ए। बी डी ए आपको इस सीरीज में बीच वाला नंबर निकालना है दोस्तों। आपको क्या करना है, इसमें बीच वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बीच वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, बिल्कुल देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले वही तरीका है इसको सोल्व करने का, नंबर यहाँ नोट करेंगे W 23 पे, ये 25 पे, ये 22 पे। उसके बाद इनके नंबर लिखिए 9, 11 और 8, इनके नंबर लिखिए 2, 4 और 1। क्लियर? आप को ये निकालना है तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, जब इनका डिफरेंस जो सेम होगा वही डिफरेंस यहाँ सेम होगा। ये देख लीजिए, 9 से 2 पे गए कितना -7, 11 से 4 पे गए -7, 8 से 1 -7, बस वही लगा दीजिए -7 और -7 यहाँ लगा दीजिए। 23 में से 7 को आप क्या करेंगे, लेस करेंगे दोस्तों। 23 में से 7 माइनस होता है तो 16 होता है दोस्तों, कितना 16, और 16 पे कितना आता है बोलिए, P आता है। क्लियर? उसके बाद 25 में से 7 को माइनस कीजिए 18 आता है, 18 पे R आता है। उसके बाद 22 में से 7 माइनस कीजिए कितना आता है अपना 15 आता है, 15 पे क्या आता है O आता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पी आर ओ अपना सही आंसर होगा दोस्तों। अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, पी आर ओ अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अल्फाबेट सीरीज से, कि और कौन सा अपने पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना डब्ल्यू अपॉन एस, अगला है अपना यू अपॉन ओ, नेक्स्ट है अपना एस अपॉन के और क्यू अपॉन जी। आपको नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट कौन सा होगा, क्या करना है आपको, नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट कौन सा होगा। करिए कोशिश करिए इसको करने की, किस प्रकार आप इसको करने वाले हैं, किस प्रकार आप इसको करने वाले हैं। वही क्या करना है आपको, वही नंबर लिखना है, ये 23 है, ये U है, ये 21 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 17 पे आता है, नीचे वाले लिखिए 19 पे आता है, 15, 11 पे आता है और 7 पे आता है। तो आप खुद बताइए, 23 से ऊपर का ऊपर के साथ देखें, नीचे का नीचे के साथ देखें, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ आप क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, -2 का, इनमें -2 का, इसमें -2 का। तो यहाँ -2, 17 में से -2 कितना ओ, यहाँ देखिए -4, सेवन में से -4, 3 बचता है तो क्या आता है, सी आता है। तो ओ अपॉन सी अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका अल्फाबेट सीरीज, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप प्लीज़ टेस्ट 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और बेहतरीन और मजबूत बनेगी। आइए चलते हैं इस पर, सेकेंड जो इसका थर्ड टाइप लास्ट टाइप बच रहा है उस पर चलते हैं कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा रिपीटेड सीरीज से क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर थर्ड है इसके अंदर, टाइप नंबर थर्ड है अपना रिपीटेड सीरीज, जिसको क्या बोला जाता है, अपन बोलते हैं रिपीटेड सीरीज बोलते हैं, अक्षर श्रृंखला के अंदर ही काउंट होता है वो भी। टाइप नंबर थर्ड लिख दिया मैंने। जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन और उससे करते हैं क्वेश्चन।
बिल्कुल, क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी डैश डी ए डैश सी डी ए डैश सी और डैश, ये आपका क्वेश्चन है। ए बी डैश डी ए डैश सी डी ए डैश फिर सी डी ए है दोस्तों, सी डी ए डैश सी डी ए डैश और सी डैश और डैश। आइएगा इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं पहले तो, कि इस टाइप के प्रश्नों को करेंगे कैसे। अगर इस टाइप के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है तो इधर साइड में देख लीजिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करने हैं कि गिवन सीरीज के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट है कितने। चलेगा काउंट करते हैं, डैश भी क्या आएगा, एक अल्फाबेट ही आने वाला है डैश के अंदर भी। जो ब्लैंक स्पेस है, जो खाली स्थान है, वहां पर भी एक अल्फाबेट आपका आने वाला है। इसको सॉल्व करने के लिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे। ए बी डैश, तो इसको डैश को अल्फाबेट के अंदर काउंट करेंगे, नंबर ऑफ अल्फाबेट में आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर आपका नंबर ऑफ अल्फाबेट, नंबर ऑफ अल्फाबेट कैसे हो, जैसे कि ये तो है 16, तो 16 को कैसे तोड़ेंगे आप, 4 और 4 में तोड़ेंगे। 12 हुआ तो कैसे तोड़ेंगे, 3 के पैर में या 4 के पैर में आप उसको तोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट 15 हुआ तो इसको कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, 3 और 5 के पैर में आप इसको तोड़ेंगे। आगे चलते हैं, 20 हुआ तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 4 और 5 के पैर में इसको तोड़ने वाले हैं। और उसके बाद अगर अपना 13 हो गया तो आप इसको तोड़ेंगे 3 या 4 के पैर में, जो रिमेनिंग बच गया लास्ट वाला उसको लास्ट में आप छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप, जैसे कि 19 आ गया तो 3 का पैर या 6 का पैर या फिर 1 का पैर, लास्ट वाला जो अल्फाबेट होगा उसको वैसा का वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो ये नंबर ऑफ अल्फाबेट को ग्रुपिंग करने का तरीका है। सबसे पहले आप क्या करें, ग्रुपिंग कर दें। दोस्तों इसको करने का एक और तरीका है, क्या तरीका है देखो, इसको करने का तरीका है कि गिवन सीरीज के अंदर आपको हाउ मेनी अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट है कितने। टोटल 4 टाइप के अल्फाबेट आपको नजर आ रहे होंगे, कहीं तो डी दिख रहा होगा, कहीं ए दिख रहा होगा, कहीं सी और कहीं बी आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको पता लग गया होगा इस सीरीज के अंदर कि नंबर ऑफ अल्फाबेट 4 टाइप्स के हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट अपने पास 4 टाइप्स के हैं, तो सबसे पहले क्या करो, इनकी नंबरिंग कर लो, 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3। मैंने इनके क्या कर लिए, नंबर नोट कर दिए। तो एक सीक्वेंस बनना चाहिए नंबर का क्या बनना चाहिए, एक सीक्वेंस बनना चाहिए। तो जो नंबर मिसिंग है वहां वही नंबर वाला अल्फाबेट पुट कर दो। 3 मिसिंग है तो 3 पे क्या आएगा, सी। यहाँ 2 मिसिंग है तो क्या आएगा, बी। यहाँ देखिए ए और क्या मिसिंग है, 2 पर बी। उसके बाद देखिए पूरा कंप्लीट बन रहा है, ए के बाद 2 भी मिसिंग है, बी भी आएगा, 4 भी मिसिंग है तो डी भी आएगा दोस्तों। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस में सी बी 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 और डी, अपने गिवन सीरीज का जो आंसर होगा दोस्तों ये आंसर होगा। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो एक ग्रुपिंग से कर लो या फिर नंबर डाल के इसको कर लो, दोनों तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। तो ये था आपका रिपीटेड सीरीज, यानी कि सीरीज कितने अल्फाबेट के बाद रिपीट हो रही है। यहां देखेंगे 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट के बाद सीरीज क्या हो रही है दोस्तों, रिपीट हो रही है, इसीलिए इसको रिपीटेड सीरीज बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट इसमें किस टाइप के क्वेश्चन अपने पास पूछे जा सकते हैं। चलिएगा आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, जैसे कि है डैश डैश ए बी ए
क्वेश्चन है अपना डैश डैश ए बी ए ए बी ए डैश 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 और डैश बी ए डैश ए बी, ये है आपका क्वेश्चन। और ऑप्शन भी ले लो, इसमें ऑप्शन आपको क्या दिए हुए हैं, डबल डैश ए बी ए, डबल डैश बी ए, डैश ए बी, और ऑप्शन है आपके ए डबल बी ए बी, ए ऑप्शन है ए डबल बी ए बी, बी ऑप्शन है आपका डबल बी ए बी ए, डबल बी ए बी ए, सी ऑप्शन है दोस्तों आपका बी डबल ए बी ए, बी डबल ए डबल बी, और डी ऑप्शन है दोस्तों आपका ए, ये आपके ऑप्शन है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब देखेंगे, एक तो ऑप्शन से भी आपको हेल्प मिल जाती है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऑप्शन से भी आपको हेल्प मिल जाती है। दूसरा ये कि इसको करेंगे कैसे, पहली बात तो ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोस्तों 12 हैं, 12 हैं तो कैसे टूटेंगे, तीन या चार में टूटेंगे। मैं तोड़ रहा हूँ इसको तीन तीन में, कैसे तोड़ रहा हूँ मैं इसको तीन तीन में, मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूँ दोस्तों, या आप इसको दो दो में भी तोड़ सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन पुट करके भी आप इसको कर सकते हैं, तीन तीन में कर रहे हैं, तीन तीन और तीन, देखेंगे लास्ट पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी, बी ऐसे हो रही है, उसके बाद हाँ ये वाला सीरीज इस वाले सीरीज के जैसे होगा, अल्टरनेट सीरीज चल रही है दोस्तों। सेकंड पे क्या है, बी, तो आप बी डाल सकते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या है, ए, ए आपको मिल गया, सेकंड पे बी डाल दिया आपने, उसके बाद बी ए और बी, इसको आप ऐसे बना सकते हैं बी ए बी से, तो यहाँ क्या आएगा बी, और आगे देखिए यहाँ क्या आएगा ए बी ए ए, और यहाँ भी क्या आएगा बी, क्योंकि ए बी ए और बी ए बी, फिर यहाँ क्या आएगा वापस से ए बी ए और बी ए बी, देखो सीरीज बनी है ए बी ए ए बी ए, और नेक्स्ट अगर बनना होता तो ए बी ए और बी ए बी बी ए बी। तो पहला ऑप्शन क्या भरा अपन ने, बी 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 ए, अपन ने भरा ए बी पहला वाला, तो पहला ही वाला क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी पहला वाला ही क्या है अपना सही आंसर है, यानी कि ये सीरीज है ए बी और ए, ए बी ए ऐसे पढ़ा इसको, ऐसे ये रोटेट हो रही है ए बी ए, फिर उसके बाद बी ए बी ए बी ए और बी ए बी, और उसके बाद वापस से ए बी ए और बी ए बी, तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वाले का आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं इसमें, नेक्स्ट इसमें करेंगे अपन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनिश हो जाएगा। जैसे कि एक और है ए डी बी, ए डी बी डैश ए सी डैश डी ए डैश सी डबल डी सी बी सी डबल डी सी बी डैश डी बी सी डैश सी बी डी ए, C
CBDA। ये अपनी कोई सीरीज है दोस्तों, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितने अल्फाबेट है दोस्तों? 24 है, तो 6 और 4 में क्या होंगे? टूट जाएंगे। 6 और 4 में क्या हो जाएंगे दोस्तों? टूट जाएंगे। यानी कि जगह कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 जगह कुछ ना कुछ आएगा। तो ऑप्शन देख लो इसकी क्या है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है BCCBA, बी ऑप्शन है दोस्तों अपना CBBA, सी ऑप्शन है अपना CCBA और डी ऑप्शन है अपना BCAD। ये चार ऑप्शन है दोस्तों अपने। इन चारों ऑप्शन की हेल्प से अपने को क्वेश्चन को बनाना है। आइएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ए डी बी चार ये इसमें ABCD। अब आपको कैसे डिनोट करना है देखो, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 4, 3, 2 खाली जगह है, फिर उसके बाद 4, 2, 3, फिर उसके बाद 3, 2, 4, 1। ये है आपका। चलो इसको कैसे करेंगे। 1, 4, 2 कौन सा नंबर मिसिंग है बताइए, कौन सा नंबर मिसिंग है? आपको 3 नंबर वाला नंबर मिसिंग चल रहा है। 3 पे क्या आता है? सी आता है अपना। 3 पे क्या आता है दोस्तों? सी आता है। तो 3 पे क्या भर देंगे? सी। उसके बाद 1, 4, 4 के पैर में तोड़ा मैंने, ए 4, 4 के पैर में तोड़ लिया मैंने, ये 4, 4 के पैर में इसको तोड़ लिया मैंने, 4, 4 के पैर में इसको मैंने तोड़ लिया। चलो ठीक है, ABCA, C क्या मिसिंग है? दो नंबर मिसिंग है तो B डाल दो। ACD दो नंबर मिसिंग है तो B डाल दो। उसके बाद DCB एक नंबर मिसिंग है तो A डाल दो। DBC एक ही नंबर मिसिंग है आपका तो A डाल दो, और ये तो कंप्लीट है ही सही। तो सीरीज क्या बन गई? ADBC ACBD फिर ABCD फिर DCBA फिर DBCA फिर CBDA, यानी कि ABC और D। तो सीरीज कहाँ से स्टार्ट किया आपने? ADBC से। A यहाँ, D और यहाँ, B और यहाँ, C। सीरीज को ऐसे चलाया दोस्तों। तो ADBC पहली, फिर उसके बाद है ACBD, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ADBC ACBD, फिर उसके बाद ABCD, फिर ऐसे ऐसे चला रहे हैं। तो सीरीज में आपको सीक्वेंस पता चल रहा होगा। आंसर ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है अपने? CBC CBB, उसके बाद है A और उसके बाद है A। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? CBB सब AA, कौन सा ऑप्शन? B ऑप्शन। यानी कि यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब पेयर बनाने से भी अपना आंसर नहीं निकले दोस्तों, तो उस कंडीशन में आप क्या करें? ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। इजी मेथड है, इजीली हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सीरीज चैप्टर जो कि मैंने कल और आज आपको कवर कराया दो वीडियो के माध्यम से। अगर दोनों वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोनों वीडियो का विजिट कीजिए यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप कर रहे हैं मेरे साथ तैयारी और तैयारी को और बनाना चाहते हैं बेहतरीन, तो आपको उसके लिए करना क्या होगा? DJ सर क्लासेज ऐप पर जाकर आपको Test 1 सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। उससे क्या होगा? उससे आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान होगी। तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं, यहीं से इसको समाप्त करते हैं। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, कोई नया सा चैप्टर अपन उठाएंगे, नया सा चैप्टर पढ़ेंगे। ये अपना सीरीज अपना खत्म होता है। ये वर्बल था सीरीज, नॉन वर्बल में भी सीरीज पूछी जाती है, यानी डायग्राम देके आपसे सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।